तो नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को और आपके अपने YouTube चैनल किसान चेतना YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम आपको 0.38 की पेडी दिखाएंगे। हमारे किसान भाई इसमें बेल और घास का स्प्रे कर रहे हैं। जानकारी लेंगे इन्होंने कौन सी दवाई का ये स्प्रे कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी दवाई बता रहे हैं हमारे किसान भाई। पूरी जानकारी लेंगे अपने किसान भाई से हम। किसान भाइयों, हमने इस गन्ने का आपको पहले भी आपको इस वीडियो दिखा रखी है। ये उस समय उस गन्ने की गुल चढ़ा रहे थे, मिट्टी चढ़ा रहे थे, और आज हम पार्ट टू लाए हैं इसके इसका। आगे भी हम आपको वीडियो दिखाते रहेंगे किसान भाइयों। किसान भाई ने गन्ने में बहुत ही अच्छी मेहनत की है, पर घास हो गई है और बेल बहुत हो रही है, और हम आपको जानकारी देंगे हमारे किसान भाई कि कौन सी दवाई का इन्होंने स्प्रे कर रहे हैं। ये देखो किसान भाइयों, कितनी घास हो रही है और बेल देखो किसान भाइयों, ये बेल हो रही है देखो, और आगे भी दिखाऊंगा मैं आपको बेल। किसान भाइयों, ये हमारे किसान भाई इसमें बेल का स्प्रे और घास का स्प्रे कर रहे हैं। पूरी जानकारी लेंगे अपने किसान भाइयों से। देखो किसान भाइयों, ये देखो बेल कितनी कितनी लंबी बेल हो रही है किसान भाइयों। देखो गन्ने में बेल बहुत है, इसमें गन्ना बहुत ही बढ़िया हुआ है किसान भाइयों। पेडी है हमारे किसान भाई की, ये पार्ट टू लाए हैं हम इसका। किसान भाइयों, हम थोड़ा सा गन्ने का निरीक्षण करेंगे। हमारे किसान भाई इसमें स्प्रे कर रहे हैं, उनसे बाद में जानकारी लेंगे। किसान भाइयों, गन्ना बहुत ही बढ़िया हो रहा है। किसान भाइयों ने मिट्टी कितनी बढ़िया चढ़ा रखी है, बहुत ही अच्छी मिट्टी चढ़ाई है किसान भाइयों। ये हमारे किसान भाई की पेडी है, हमने आपको इसकी पहले भी वीडियो दिखाई है। इन्होंने इसमें उस टाइम ये मिट्टी चढ़ा रहे थे अपने लेजर से, बहुत ही अच्छा लेजर था किसान भाई का हमारे। और ये अब जो हमारे किसान भाई इसमें आज स्प्रे कर रहे हैं, देखो किसान भाइयों, मैं आपको दिखाऊंगा कितना बढ़िया गन्ना पड़ चुका है इसमें। और गन्ने की हाइट मेरे हिसाब से लगभग 6-7-8 फीट के आसपास हो चुकी है हमारे भाई का। देखो किसान भाइयों, कितना बढ़िया गन्ना हुआ है, अच्छा गन्ना हुआ है। किसान भाई ने इसकी मिट्टी चढ़ाई थी, मिट्टी चढ़ाने के लाभ भी बताए थे पहली वीडियो में हमारे भाई ने। किसान भाई, और ये हमारे किसान भाई कैलोरीज एक्स्ट्रा का स्प्रे कर रहे हैं, कैलोरीज एक्स्ट्रा। किसान भाई से जानकारी लेंगे इसकी शीशे के बारे में पूरी, ये कौन कौन सी घास को मारती है, पूरी जानकारी लेंगे हमने किसान भाई से। देखो ये दो कैन है इनके पास, ये इसमें दवाई भी है, अभी उसमें दवाई नहीं है। बहुत ही अच्छी घास को अटैक करती है ये, जानकारी लेंगे अपने किसान भाई से पूरी। कितना प्राइस है किसान भाई, ये पूरी जानकारी लेंगे अपने भाई से हम, कितने बीघे में होती है ये सीसी पूरी। तो हम अपने किसान भाई से मिलवाएंगे अब जा। ये हमारे किसान है, राम राम जी। राम राम जी। ओ जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी। तो किसान भाइयों, हमने किसान भाई की आपको पहले भी वीडियो दिखाई है। किसान भाई हमारे इसमें इस गन्ने में मिट्टी चढ़ा रहे थे जब हमने आपको इनकी वीडियो दिखाई थी। तो किसान भाई, आज ये आप क्या का स्प्रे कर रहे हैं? यो बेल है इसमें कहीं कहीं, एक तो और घास हल्की। अच्छा, बेल हो रही है और घास हो रही है, अच्छा साफ पड़ी रहेगी, बेल नुकसान दे गन्ने को बहुत। अच्छा, आइए। बरसात आ रही, फिर स्प्रे होने का जी। तो किसान भाई, हमारे थोड़े किसान भाई को जानकारी दो, आप ये स्प्रे कौन सी दवाई का कर रहे हैं? सिरिजेंटा की आती है, कैलिस एक्स्ट्रा। अच्छा, सिरिजेंटा वालों की कैलिस एक्स्ट्रा। अच्छा, जो गन्ने को नुकसान नहीं देती। अच्छा, और ज्यादा बड़ी घास तो मारती नहीं, बाकी घास इतनी है भी नहीं, थोड़ी एक आध जगह जी, थोड़ी बहुत इधर हो रही है बस, ज्यादा बेल वैसी छोटी मोटी घास सब खत्म कर दे, बाकी गन्ने पर साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, कोई सी भी घास हो? हाँ, ज्यादातर घासों पर काम करते हो भैया। ये सीसी है, कितना प्राइस होगा इसका? ये 1600 रुपए की, 6 बीघे में करते हैं, 5 बीघे में करते हैं, 5 में बताऊँ। अच्छा, 5 में बताते हैं, किसान भाई का कहना है। तो किसान भाई, अब जो इस गन्ने की जानकारी दो अपने, ये गन्ना आप कौन सा गन्ना है? आ जाओ, ये जो है 0238 की, लास्ट मार्च के आसपास छुली हुई है ये। अच्छा, देखो हाँ, बेल हो रही है किसान भाइयों, तो इसमें कोई घास है नहीं। देखो हाँ, घास नहीं है, बेल बहुत तेज़ है। हाँ, बेल फाड़े से फट रही थी, कोकी से इतना समय रखा जी, सही बात है। अब 10 बीघे में हमने 2-3 घंटे में स्प्रे कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्प्रे कर। घास बिगाड़ने की क्या पेड़ी, तकड़ी पेड़ी है बहुत। तो इसकी जानकारी दो, अभी तक आपने कौन कौन सी इसमें दवाई का उपयोग किया पेड़ी में आपने इसमें? अभी शुरुआत में अलग करा था मैंने, कारटॉप 50 SP का स्प्रे जी, नैनो यूरिया मिलाया पहली बार, जब ये बिधाने के बाद में सब भाई करके इसके जी, तो पानी देने के बाद। अच्छा, उससे लाभ क्या होता है किसान भाइयों जो स्प्रे करते हैं? डायरेक्ट एकदम से कणसा वगैरह नहीं आता, जो टॉप बोरर जी रोग रोग दे, वो 30-40 दिन रोग रोग देता है। उसके बाद में पानी पर दूसरे बर्टा को लगा दी थी, बर्टा को भी लगा दिए। बर्टा को का रिजल्ट कैसा होता है? रिजल्ट बढ़िया, टेंशन फ्री किसान लगा के एक बार देखो, कोरोजन में बहुत
समय पानी की बर्बाद, पानी बहुत खर्च करना पड़ो जी, समय बहुत लगाना पड़ो जी, सही बात, समय किसान के पास नहीं है, नहीं है। तो अब जैसा आपने पेड़ी है, इसमें मिट्टी भी चढ़ाई है हमने, आप हाँ। वीडियो दिखाई थी किसान भाइयों को, तो किसान भाई थोड़ी सी जानकारी दो, मिट्टी चढ़ाने का क्या लाभ होता है? देखो गिरने की नहीं हो, अच्छा गिर, हाँ ये बात है, इसमें कितनी मिट्टी है, मजबूत हो गया, मजबूत हो गया है, और इधर भी इसमें कैसी अपना हवा जी। अब इसमें हम जो है जुलाई के लास्ट में पत्ता गिरवा देंगे, अच्छा पत्ता गिरवा देंगे, मजबूत लगा के अपना जो है जी, हमारा कोई तार देगा जी, तो इसमें हवार पार हो जाएगी। तो ये किसान भाई आपका गन्ना कितनी चौड़ाई होगी इस गन्ने की? वो 46 इंच। अच्छा 46 इंच पर है आपका गन्ना ये? अपने बड़े ट्रैक्टर में काम करते हैं, टीलर निकाल दें पेड़ी में जब उम्र तोड़ने जी, उसके बाद कल्टीवेटर, बहुत अच्छे पूरा सेट बैठे 46 इंच पर, बहुत बढ़िया। ये हमारे किसान भाई को हमने आपको पहले भी इन्होंने मिट्टी चढ़ाते है वीडियो बनाई। भाई थोड़ा सा गन्ने निरीक्षण करवाओ अपने, आगे चलो, देखो किसान भाइयों इसमें नमी भी हो रही है, किसान भाई ने हमें पानी दिया है जी, सही बात है। देखो ये पेड़ी है अपना बढ़िया साफ सुथरा, ये देखो किसान भाइयों हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं, घास तो इसमें नाम मात्र, कितना बढ़िया मेढ़ा किया है गन्ने ने, ब्यात मोटाई मिट्टी चढ़ी हुई है, बहुत अच्छा। तो बरटाको गन्ने को मोटा भी करता है? नहीं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जब आप गन्ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोग रोकता है इसके, अच्छा, तो गन्ना खुद ही जब स्वस्थ रहेगा मोटा होगा ऑटोमेटिक जी, सही बात है, जब रोग नहीं आना कोई जी, और हम खुराक लगाओ जाएंगे रोग आ जाएगा तो फिर वो असर नहीं होता, सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो किसान भाई आप इसकी गन्ने की बंधवाई भी करवाते हो? बंधाई देखते हैं उसके पंद्रह हवा वगैरह चली तो बंधवा देंगे, हाँ सही बात है, पेड़ी है शुरू में ही गिरनी तो बंधवाने में कोई लाभ भी नहीं, मिट्टी चढ़ी हुई है, पत्ती इसकी उतरवा देंगे, हवा पास हो जाएगी इसमें। थोड़ी सी जानकारी और दो हमारे किसान भाइयों की, ये गन्ने की आपकी हाइट कितनी होगी लगभग इस ताप के हिसाब से? 5.5 फीट मेरी है जी, मैं पत्तों के होगी 7-7.5 फीट की, 8 फीट के आसपास होगी। देखो मार्च के आखिरी में छुला हुआ गन्ना है ये, 20 मार्च के आसपास इन्होंने छोल लगाई थी इसमें लगभग, और बहुत ही अच्छा गन्ना हुआ है, लगभग 8 फीट के आसपास ये गन्ना हो चुका है हमारे किसान भाई का। हमारे आज के किसान भाई से मिलकर आपको कैसा लगा? और जो ये किसान भाई हमारे दवाई लगा रहे हैं, ये किसी भी बीज भंडार वाले के पास मिल सकती है, मैं आपको अभी सीसी भी दिखाऊंगा, ये सीसी है कैलिस एक्स्ट्रा नाम है इसका, सीसी का बहुत ही अच्छी सीसी है, कहीं से भी ले सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, हमारे किसान भाई का कहना है। भाइयों आज के किसान भाई से मिलकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना। अच्छा सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम।